Hello dear students, myself Bhavin sir and good morning all of you. Now today we have to learn standard 2 chapter 2 ABCs. Okay, so last time we have kya kiya tha? Humne kya kiya tha? We had written, I had explained the story. Maine story explain ki thi, barabar hai? Ab hum वो स्टोरी के रिलेटेड मैंने कुछ आपको हार्ड वर्ड्स भी दिए थे, आपने हार्ड वर्ड्स लिखे होंगे, नहीं लिखे हो तो प्रिपेयर कर देना. देन आई गिव यू सम सेंटेंस रिलेटेड विद द स्टोरी. ओके, सो मेरे साथ बोलना है और आपको लिखना है. आज हमको इतना ही करना है. सी द लिटिल मंकी वांट टू बी बिग एंड स्ट्रांग. बोलो मेरे साथ, द लिटिल मंकी वांट टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. तो मंकी को क्या बनना था? बिग एंड स्ट्रॉन्ग. अ वाइज मैन हियर्स हिम. तो मंकी ये बोलता था कि मुझे बिग एंड स्ट्रॉन्ग बनना है, तो किसने सुना ये? वाइज मैन, एक वुमैन थी, बराबर, उसने सुना. सो वी कैन से अ वाइज मैन हियर्स हिम. अ वाइज मैन गेव हिम ए मैजिक वांड. तो क्या दिया वाइज मैन ने? एक मैजिक की स्टिक दी, बराबर, जादुई लकड़ी. सो वाइज मैन गेव ही ए मैजिक वांड. सो दिस इज योर टू रीड एंड राइट. आपको ऐसे सेवन सेंटेंस पढ़ना है और लिखना है. फोर्थ नंबर, द जिराफ स्ट्रेच्स हिज लॉन्ग नेक. तो कौन अपनी लॉन्ग नेक को ऐसे खड़े खड़े करता है, लम ऊपर छेक तक, पेड़ के ऊपर टॉप तक चले जाता है? सो जिराफ, सो जिराफ स्ट्रेच हिज लॉन्ग नेक. देन नाउ द एलिफेंट फिल्स हिज ट्रंक विद वाटर. एलिफेंट क्या करता था? ट्रंक में पानी भर के वो ऊपर स्प्रे करता था, अपने ऊपर स्प्रे करता था, दूसरे ऊपर स्प्रे करता था. सो एलिफेंट फील्स हिज ट्रंक विथ वाटर. सिक्स नंबर, द ज़ेब्रा हैज स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी. तो ज़ेब्रा के पास कैसे स्ट्राइप्स थे बॉडी के ऊपर? ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स, राइट? सो ज़ेब्रा हैज स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स. एंड द लिटिल मंकी सीज ए मॉन्स्टर इन द रिवर. तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये लिटिल मंकी क्या बनना चाहता था? बिग एंड स्ट्रॉन्ग. और उसको कौन मिला? ए वाइज वुमैन. एंड वाइज वुमैन गेव हिम अ मैजिक वांड. उसने मैजिक वांड दी और उसको मंकी को क्या बनना था? जिराफ बनना था, एलिफेंट बनना था और ज़ेब्रा बनना था. तो मैजिक वांड से उसने क्या किया? जिराफ की तरह उसकी लॉन्ग नेक आ गई. मैजिक वांड से उसने एलिफेंट की तरह उसकी ट्रंक आ गई. बिकॉज वाइज मैंने बोला था व्हाट एवर यू वांट टू बी विश, आपको जो बनना है आप विश करो और स्टिक घुमाओ, आपका वो हो जाएगा. द एंड द लिटिल मंकी वांट्स टू बी ज़ेब्रा ऑल्सो. ज़ेब्रा के जैसा उसको बॉडी पे स्ट्राइप्स चाहिए थी. तो ये तीनों का उसके बॉडी में आ गया. मैंने आपको फोटो बताया था और उससे मंकी कैसा दिखता था? वेरी डेंजरस. देन मंकी सॉ, जब मंकी ने खुद देखा रिवर में अपना रिफ्लेक्शन, देन ही बिकम फ्राइटेंड. वो डर गया और उसने सोचा कि अरे ये तो कौन सा मॉन्स्टर आ गया, ये तो राक्षस आ गया है, दैट इज मॉन्स्टर. सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न इन द पास्ट लेसन. लास्ट लेसन में हमने ये पढ़ दिया है. ओके, आई विल शो यू दिस नियर एंड देन यू राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक. क्लियर? Now everyone, write down this is in your notebook with very very neat and best writing. The little monkey wants to be a big and strong. A wise woman hears him. A wise woman gave him a magic wand. And the giraffe stretches his long neck. The elephant
fill his trunk with water. The zebra has stripes on his body, and the little monkey sees a monster in the river. So this is the sentence you write in your notebook, my dear students. Yeh sentence aapko notebook mein likhna hai with best writing. ये आपको होमवर्क में 3 टाइम अपनी नोटबुक में लिखना है, और नेक्स्ट टाइम हम यही सेंटेंस का क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, ब्लैंक्स बनाएंगे, ये सब नेक्स्ट टाइम बनाने वाले हैं. सो एवरीवन मस्ट राइट दिस इन योर नोटबुक. ओके, देन नाउ लुक एट हियर. हियर Okay, now dear students, now we have to, I am reading here this spelling. We have to listen it carefully and repeat it. STRONG is strong, STRETCH stretch, STRIPES stripes, STRING string, SCHOOL school, SCARE scare, SCOLD scold, SCRUB scrub, SPOT spot, SPELL spell, SPIN spin, SPIT speed, ZMM zoom. मैडम zoom पे मैडम मिल रही है ना, जूम मीट पे मीटिंग कर रही है हमारे तुम्हारे स्कूल की मैडम, जूम में मिल रही है, आपको पढ़ा रही है. ZIP zip, zebra एंड zoo. ऐसे ही grow, grass, girl, game, यहाँ पे जी कॉमन है. जैम, जिराफ, giant, जम. देखो यहाँ पे जी है तो हम ग बोलते हैं, और यहाँ पे जी है तो ज बोलते हैं. यह हमको ध्यान रखना है. दैट इज जॉय, जम, जार, जॉकर. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो यू हैव टू राइट होमवर्क वन टाइम. दिस इज यू राइट होमवर्क इन योर नोटबुक वन टाइम. वीडियो पॉज करके आप होमवर्क लिख देना है. और इसमें जो आपको दिखाता हूँ ये आपको होमवर्क 3 टाइम नोटबुक में कर देना है. ये जो सेंटेंस पहले दिखाए थे वो. ओके, गुड बाय, टाटा, सी यू. अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, एंड बी रेडी विथ द बुक एंड एवरीथिंग.